गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी डी मदर ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ अर्चना, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 12। द टॉपिक इज़ यूज ऑफ ए और एन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वी शुड यूज ए और एन एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ ए और एन। A is used before singular number, word which begin with consonant। इसका मतलब है A जो है singular number के लिए यूज होता है, single चीज़ के लिए यूज होता है, और जिसका beginning letter, किसी word का beginning letter consonant होता है तब हम A का use करते हैं। इसी तरह N का use हम singular के लिए करते हैं, single चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे एक कलम, एक पेन, इस तरह के लिए करते हैं, लेकिन उसका beginning letter of word that should be vowel। It means अगर किसी word का beginning letter consonant है तो A का use करेंगे, अगर beginning letter vowel है तो हम N का use करेंगे। Let's see some word। This is ball picture। See, this is colorful ball and the beginning letter of ball is B, B is consonant, so we use here A ball। This is cat, C-A-T, cat। Cat means बिल्ली। बिल्ली तो आप सब लोगों ने देखा होगा। The beginning letter of cat is C। This C is consonant, so we use here A। Understood? This is egg। The beginning letter egg is E, E is vowel, we use here an egg। This is bee picture, B-E-E-B, its Hindi meaning is madhumakhi, its beginning letter is consonant, so we use here A, understood? Which picture is this? This is parrot picture। What is the Hindi meaning of parrot? Parrot means tota। What is the color of parrot? Green color। And beginning letter is vowel or consonant? P, so P is consonant। For parrot we use here A। Understood? What we will say? A parrot। ओके, ये कौन से फ्रूट की पिक्चर है? यह एक ऑरेंज की पिक्चर है। ऑरेंज, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑरेंज? नारंगी। व्हाट इज द बिगिनिंग लेटर ऑफ ऑरेंज? इज दिस वॉवेल और कॉन्सोनेंट? दिस इज वॉवेल, ओ। क्लियर? व्हाट वी विल यूज हियर? एन ऑरेंज। अब बताइए किस चीज की पिक्चर है? यह एक एलिफेंट की पिक्चर है, एक एलिफेंट की पिक्चर है। और व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट? रीड दिस, ई एल ई पी एच ए एन टी। एलिफेंट का जो बिगनिंग लेटर है वो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है। ई इज वॉवेल, यू ऑलरेडी नो देर आर फाइव वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। सो फॉर एलिफेंट वी यूज एन। अंडरस्टूड? व्हाट वी विल सी? An elephant। Now children see which picture is this? This is a boy picture। What is the Hindi meaning of boy? Boy means ladka। And what is the spelling of boy? P O Y। So now say the beginning letter of boy is B। This is consonant or vowel? This is कॉन्सोनेंट। आपको बताया गया है जो वॉवेल फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो भी वॉवेल के छोड़ के जो भी लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। क्लियर? इसलिए हम बॉय के लिए क्या यूज़ करेंगे? ए और एन। ए यूज़ करेंगे क्योंकि यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन से Which picture is this? This is ant picture।
व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एंट? ए एंड टी. व्हाट इज द बिगनिंग लेटर ऑफ एंट? कॉन्सोनेंट और वॉवेल? दिस इज वॉवेल. सो व्हाट वी यूज हियर? एन. बिकॉज जब वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम एन का यूज करते हैं. क्लियर? विच पिक्चर इज दिस? दिस इज अम्ब्रेला पिक्चर. वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी डे. अम्ब्रेला बिगनिंग लेटर इज यू इज वॉवेल. सो वी विल यूज हियर एन अम्ब्रेला. अंडरस्टूड? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा वॉवेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का यूज़ करते हैं. थैंक यू.